आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ काका शॉप पे, जो आप लोग की रिकमेंडेशन थी। मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि मैं इस शॉप का विज़िट करूँ, तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ काका शॉप की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। काका शॉप बेसिकली मिलेनियम के बराबर में RJ मॉल है, इसके सेकेंड फ्लोर पर ये शॉप है। काका शॉप की स्पेशलिटी है न्यू बॉर्न बेबीज़ की तमाम एसेसरीज़ आपको यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी के साथ मिलेगी। आपकी जितनी भी रेंज हो आपको उसमें वो चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। ना सिर्फ बच्चों की एसेसरीज़ आपको, बल्कि यहाँ हाउस होल्ड आइटम्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेडीज़ गारमेंट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत बड़ा स्टोर है, एक ही स्टोर पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चों के स्टेशनरी आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको तमाम चीजों पे प्राइस टैग्स लगे हुए मिलेंगे, इसलिए आप आसानी अपनी रेंज के मुताबिक यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। वीडियो में भी आपको तमाम प्राइस टैग्स दिख जाएंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत तहम्मुल से बनाई है और तमाम चीज़ें एक एक करके आपको दिखाई हैं, ताकि आपको वीडियो में अंदाज़ा भी हो सके कि क्या प्राइस रेंज है। तो मेरी वैसे भी थोड़ी सी आज तबीयत नासाज है, गला ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी वीडियो में। तो आप आराम से क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो में और प्राइस टैग्स भी देख सकते हैं। बेसिकली काका शॉप बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, तो मैं तमाम चीज़ें वीडियो में आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि इनका टॉयज़ का सेक्शन भी एक अलग था। इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स का अलग था, ऑर्गेनाइजर्स भी थे इनके पास, हाउस होल्ड आइटम्स भी थे, और न्यू बॉर्न बेबी की तो बहुत ज़्यादा एसेसरीज थी। इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पार्ट टू में इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको ट्रैवल बैग्स भी मिल जाएंगे, जिनके प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा ये देख सकते हैं बहुत बड़ा पोर्शन है, यहाँ आपको तमाम बच्चों से रिलेटेड आइटम्स मिलेंगे। आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह की डायरीज थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, खासकर गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी हैं बच्चों के। और स्टेशनरी आइटम्स भी आपको यहाँ बच्चों के बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाएंगे, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। प्राइस टैग्स आप तमाम चीज़ों पर लगा हुआ देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बच्चों के यहाँ स्लाइड्स और झूले वगैरह भी मिल जाएंगे, और ये छोटे बच्चों के लिए है, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए। और ये आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है, उसके प्राइस है 500 से 700 रुपए के बीच में। इसके अलावा 9000 रुपए की ये स्लाइड थी, जिसमें आपको साइज़ मिल जाते हैं, और प्राइस डिफरेंस भी ऑब्वियस है कि साइज़ की वजह से है। और जो आप होम गार्डन बनाते हैं बच्चों के लिए, उसमें ये बहुत अच्छी लगती हैं, और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से बच्चे बाहर नहीं खेल पाते, तो आप घर में उनके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए इस तरह की चीज़ें बाय कर सकते हैं यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं इस तरह के बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी स्कूटीज़ वगैरह में। और अभी आपको आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी कंप्लीट वैरायटी मैंने इस वीडियो में शेयर की है, और इसका पार्ट टू मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी, जिसमें आपको न्यू बॉर्न बेबी की तमाम एसेसरीज़ मिल जाएंगी, और टॉयज़ का कम्प्लीट सेक्शन मैंने कवर किया है। इसके अलावा मैंने आपके साथ एक और बच्चों की वैरायटी के हवाले से एक शॉप की वीडियो शेयर की थी, जो आप लोगों ने पसंद भी बहुत की थी। हमजा मदर केयर शॉप का नाम था, और वहाँ भी आपको बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। सेंट्रल प्लाजा शॉपिंग मॉल में वो शॉप मौजूद थी, जो मेन गुल प्लाजा के बैक साइड पर है। डिटेल वीडियो है काफ़ी मेरे चैनल पर, आप लाजमी जाकर देखिएगा। जो उस एरिया में लोग रहते हैं और वो शॉप जिनके घर से करीब है, तो वो लोग वहाँ विज़िट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत ज़बरदस्त वैरायटी मिलेगी, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं स्कूटी, ये कितनी अच्छी लग रही थी, और ये वहाँ का आई थिंक कोई बच्चा ही था शॉप पे मौजूद था, तो वो मुझे चला के भी दिखा रहे थे कि इस तरह चलती है ये। तो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था, और वीडियो में भी मदद करी उन्होंने काफ़ी बनाने में। और ये आप देख सकते हैं वैरायटी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, न्यू बॉर्न 1 साल से 2 साल के बच्चों के लिए यहाँ आपको खिलौने बहुत ज़बरदस्त मिल जाते हैं। और खिलौनों का एक और अलग सेक्शन है, जहाँ आपको क्वालिटी वाइज और बहुत ही मॉडर्न स्टाइल के आपको टॉयज़ मिल जाते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ आपको इस तरह की देख सकते हैं बास्केट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, डस्टबिन्स भी मिल जाती हैं, और जो बच्चों के कपड़े रखने के लिए भी यूज़ होती है। इसके अलावा आप इसमें ये देख सकते हैं बाथ टब है बच्चों के, ना ये भी मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, और प्राइस वगैरह तमाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे।
और ये जो आप बच्चों की स्कूटी देख रहे हैं इनके प्राइस भी वेरी करते हैं एज़ पर साइजेस, क्योंकि ये छोटे बच्चों की थी, 1 से 3 साल तक के बच्चों की, तो इसके प्राइस 2500 से 3000 रुपये के बीच में थे। इसमें आपको साइजेस भी मिल जाते हैं और डिज़ाइंस भी बहुत सारे मिल जाते हैं जैसा कि आप देख भी सकते हैं, और प्राइस भी उसी तरह वेरी करते हैं। और ये देख सकते हैं कार स्टाइल में भी है, बाइक स्टाइल में भी है, इसके अलावा टॉय भी बना हुआ है उस स्टाइल में भी है, और ये देख सकते हैं ये बड़े बच्चों के लिए है। तो इसके प्राइस जो है वो इसीलिए वेरी कर रहे हैं, मैं एक एक के प्राइस नहीं बता सकती, बट आपको एक ओवरव्यू दे सकती हूँ कि इस प्राइस के लिमिट में यहाँ आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि ये 4000 रुपये का था, मतलब 4000 एग्जैक्ट नहीं था, 3600 कुछ का था। तो इस तरह की रेंज में आपको यहाँ वॉकर्स और इसके अलावा ये देख सकते हैं स्विंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के अलावा यहाँ आपको लेडीज़ बैग्स, पर्स, क्लचेस की भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी मिलती है। इसके अलावा जो जेंट्स बैग्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ट्रैवल बैग्स मिल जाएंगे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बच्चों के टॉयज़ का एक और बहुत बड़ा फ्लोर है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो सोचा कि इस शॉप को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, और ताकि वीडियो भी अच्छी क्वालिटी वाली आपको दिखे और मेरा भी जो है वो वीडियो का अपलोडिंग टाइम बच जाए, क्योंकि जब बड़ी वीडियो होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अपलोड होने में। तो इसलिए आप ये वाली वीडियो एंजॉय करें और नेक्स्ट वीडियो तक मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का जो बटन होता है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूं तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने क्यूट कलर्स में और कितने क्यूट स्टाइल में बेबी बिस्तर्स मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, जिनकी प्राइस रेंज स्टार्टिंग थी 1000 रुपीज़ जॉनवर्स जाती है। इसके अलावा जो ये आप नीचे कलरफुल देख रहे हैं ये बेबी सिटिंग के लिए यूज़ होते हैं और बहुत ही क्यूट लग रहे थे, और प्राइस टैग तमाम चीज़ों पर आपको दिख रहे होंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मैं अभी तक स्टोर के अंदर जो है ना वो एंटर नहीं हुई हूँ, सिर्फ ये बाहर का एरिया है जो मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, तो इसलिए पार्ट 2 अभी बाकी है। और ये देखिए डोनर शेप में था और बहुत ही क्यूट लग रहा था, और इसके प्राइस आपको दिख रहे होंगे 500 थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये बेबी सिटिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, इसके अलावा आप इसको से तकिया भी यूज़ कर सकते हैं डोनट शेप का। और यहाँ आपको स्टेशनरीज़ की भी बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, स्टेशनरी होगा, इसके अलावा लेडीज़ क्लचेस, पर्सेस, बहुत ज़्यादा वैरायटी है।
क्योंकि छोटा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा सेक्शन है, तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा ये आ गए हैं छोटे छोटे से गुलदस्ते बोल लें या वास बोल लें, इसके प्राइस है 125 रुपये। डेकोरेशन पीस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त था ये। इसके अलावा ये देख सकते हैं बच्चों के टॉयज भी यहाँ आपको दिख रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये मेन सेक्शन मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेडीज़ पर्सेस का। यहाँ आपको लेडीज़ पर्सेस की बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी मिलेगी, जिसमें आपको छोटे जिसमें हम जस्ट पैसे कैरी करते हैं उस तरह के पर्स भी मिल जाएंगे और क्लचेस भी मिल जाएंगे, मेकअप जो बैग्स होते हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा फैंसी पर्स भी मिल जाएंगे जो दुल्हनें वगैरह लेती हैं या फिर जो न्यूली मैरिड लड़कियाँ होती हैं वो लेती हैं, तो उस तरह के भी आपको पर्स की ज़बरदस्त वैरायटी देखने को मिलेगी। न सिर्फ फैंसी पर्स एंड क्लचेस बल्कि आपको यहाँ कैजुअल गर्ल्स बैग्स भी मिल जाएंगे जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ लेती हैं, वो भी बहुत अच्छे थे लेदर में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। प्राइस आपको तमाम चीज़ों के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके साथ साथ जो ऑफर्स लड़के लेके जाते हैं बैग्स, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस थे, 800 से भी स्टार्ट थे, 1000 से भी स्टार्ट थे, तो इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। इसके साथ साथ इस तरह के जो आप छोटे पर्स देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये बेसिकली मेकअप पाउचेस होते हैं, इसमें आप जो डेली मेकअप यूज़ करते हैं तो कुछ आइटम्स आप इसमें कैरी कर लेते हैं और अपने मेन जो आप बैग या पर्स यूज़ करते हैं उसमें ये वाला पर्स आप डाल देते हैं, तो ये बेसिकली एज अ मेकअप पाउच काम करता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और देख सकते हैं कितने खूबसूरत स्टाइल के हैं, और प्राइस आप तमाम चीज़ों के देख सकते हैं 500, 400, 550 इस तरह के इसके प्राइस हैं। और जो ये देख सकते हैं क्लचेस भी है ना, ऐसा लेडीज़ क्लचेस, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, और ये देख सकते हैं इस तरह के स्टाइल के भी आजकल बहुत चल रहे हैं, और इसके प्राइस भी आप देख सकते हैं 500 रुपये हैं। और ये तमाम जो है ना वो आप इसको एज अ पर्स भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ होते हैं मेकअप पाउच के तौर पर। और यहाँ से स्टार्ट हो गया है लेडीज़ पर्स का, बहुत ही प्यारा कलेक्शन था इनके पास, जिसकी प्राइस रेंज स्टार्ट थी 360 रुपये से और जो जाती है ऑनवर्ड 1000-1500 था, क्योंकि इनके पास फैंसी पर्सेस की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत प्यारी कलेक्शन थी, बहुत ही खूबसूरत कलर्स में इनके पास पर्स मौजूद थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन नहीं था, बहुत बड़ा पोर्शन था जहां आपको पर्स, क्लचेस, इसके अलावा बच्चों के स्कूल बैग्स, बच्चों के फंकी बैग्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन थी, और प्राइस रेंज भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे, क्योंकि यही चीज़ें जब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन यहाँ आप तसल्ली भी कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी का है और अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से बाय भी कर सकते हैं। ये जो आप बैग्स देख रहे हैं ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे थे, ख़ासकर ये पिंक वाला और ये ब्लू वाला, क्योंकि ये ऑफिस गोइंग लड़कियां लेती हैं ज़्यादातर, और बहुत ही अच्छे स्टाइलिश में थे, जिसके प्राइस 1300, 1400, 1500 इस तरह के थे, और ये थोड़ा सा लेडीज़ स्टाइल में थे क्योंकि काफ़ी हैवी से थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूली मैरिड लड़कियाँ होती हैं वो इस तरह के कैरी करती हैं, तो इस स्टाइल में भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। सारे पर्सेस की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी यूनिक थी, मुझे ये शॉप पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और थैंक यू सो मच कि जिन्होंने मुझे ये शॉप सजेस्ट की थी कि मैं यहाँ की वीडियो बनाऊं। तो आप इस तरह की सजेशन मुझे देते रहा करें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप कोई भी मुझसे हेल्प चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे वहाँ बात कर सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी।
और ये आप देख सकते हैं कि बच्चों के फंकी बैग्स की कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है, और सिर्फ फंकी बैग्स नहीं बल्कि स्कूल बैग्स की भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, जिसके स्टार्टिंग प्राइस 300 रुपीज़ हैं जस्ट। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ आपको हेयर ब्रशेज़ मिल जाते हैं, इसके अलावा ये लाइस कॉम्ब है ये भी मिल जाएगा आपको, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टाइल्स के थे। इसके अलावा ये हैंगर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर रहे होते हैं तो वो भी आपको यहाँ इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी तक आप देख सकते हैं कि मैं शॉप के अंदर एंटर नहीं हुई हूँ, तो जो पार्ट टू है वो तकरीबन पूरा मैंने कवर किया है शॉप को, जिसमें आपको बेबी एसेसरीज़, बेबी गारमेंट्स और इसके अलावा स्किन केयर, इसके अलावा टॉयज़, तमाम चीज़ें हैं। तो पार्ट टू का आपको लाजमी वेट करना है और मेरे चैनल पे बने रहना है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पार्ट टू में बहुत जल्द शेयर करूंगी इसी वीक में, जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी मिलने वाली है काका स्टोर की, जिसमें आपको कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बेबी एसेसरीज़, बेबी गारमेंट्स, टॉयज की ज़बरदस्त वैरायटी देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ मैं चाहती हूँ इजाज़त, फिर हाजिर होंगी किसी मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपने बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। वीडियो का अख्तिताम करते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे रज़क में कुशादगी दे। आमीन सुमामीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।